डील क्रैक, जितना मांगा था उतना देने के लिए रेडी है। थैंक यू बाबा जी, आपने बचा लिया, वरना रोड पे बैठ के भीख मांगनी पड़ती वो भी गाना गाते हुए। लाओ टिकट दो, मैं उसे देकर आती हूँ। कुल्लू टिकट कहाँ है? लक्ष्यपति मुझे मार डालेंगे। वैसे तो लक्ष्य और प्रतीक मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, ब्रदर्स फ्रॉम अनदर मदर, लेकिन जब बात पैसे की हो तो वो साले किसी की सुनते ही नहीं। मुझे तो जेन के साथ डेट पर जाना था, ऐ क्यों हो गया गॉड जी। चाय ये है पानी, चाय की पानी। थैंक यू। यार समझ आता है कि ये लड़की एग्जाम में फेल हो गई, पर इसका मतलब हफ्ता वसूली करेगी। मैं समझ सकता हूँ, पर ये कब से? अब से, बस बहुत हो गया, मैंने डिसाइड कर लिया। देखो मुझे समझ आ रहा है कि तुम्हें बुरा लगा है। ऑब्वियसली बुरा तो लगेगा ही यार, हम सब एक जैसे हैं, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? करेक्ट है, एकदम करेक्ट है। इन जैसी इंटेलिजेंट बंदी को अगर फेल होना पड़ जाए तो बंदा करेगा तो करेगा क्या? अच्छा है, अच्छा है, हफ्ता वसूली, अच्छा है, हक बनता है आपका। इडियट, मैं वसूली नहीं कर रही हूँ। तो कितने की लॉटरी लगी है जो पूरे कॉलेज में पैसे बांटे जा रहे हो? पैसे बांट नहीं रही हूँ कुल्लू, मैं पैसे कलेक्ट कर रही हूँ ऑर्फन्स के लिए। चलो तुम दोनों भी कुछ डोनेट कर दो। प्लीज, आई डोंट बिलीव इन चैरिटी। होपलेस हो तुम। कुल्लू तुम ही कुछ डोनेट कर दो। जी मेरे पास तो पैसे है ही नहीं जी, आपको तो पता ही है, पर मेरे पास एक चीज जरूर है, ये। ओ जी शक्लें ना बनाओ। बनाते से प्यारी शक्ल दी है भगवान ने, ये बड़ी काम की चीज है जी, बड़ी काम की। बच्चे जो है ना इसे हर सिचुएशन में यूज करते हैं, जैसे जब वो खुश होते हैं तो ये यू घुमाते हैं, हैं? जब वो सैड होते हैं तो आंखों से आंसू आ जाते हैं उन्हें, तो ये यू साफ भी कर लेते हैं। जब उन्हें सर्दी हो जाती है तो नाक जब बहती है ना ऐसे, तो उसको साफ करने के लिए भी ये काम आता है। और बाकी जब पॉटी वॉटी आती है तो ये अपना मुंह बंद करेगा इसी से। मजाक मत करो यार कुल्लू, थोड़ा ज्यादा जितना भी है उतना डोनेट कर दो ना। ये तो खुद पासवान कोऑपरेटिव बैंक पे डिपेंडेंट है, ये तुम्हें क्या डोनेशन देगा? शेम ऑन यू गाइस, बेचारे ऑर्फन्स को डोनेशन देने के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं है, पर हनी सिंह के कॉन्सर्ट के टिकट खरीदने के लिए बराबर पैसे हैं। लक्ष्य सुनी तो बैठे, वो तो मुझे ऐसे ही वीआईपी पासेस मिल गए थे और इंटरेस्ट नहीं हो जा रहा भी नहीं। और रही बात तुम्हारे डोनेशन की, आई डोंट बिलीव इन इट। यू गाइस आर होपलेस। इधर आओ, इधर आओ। आप जान ही रहे हो हनी सिंह के कॉन्सर्ट पे नहीं, तो ये पासेस मुझे ही दे दो। तूने फिर से अपनी मंगूगिरी शुरू कर दी। मंगूगिरी की है? ऐसे मत बोला करो, गरीबों में थोड़ा बांटो, कुछ पासेस बांटो, दूसरे तो जान ही रहे। एक बात बता, गरीब लोग कब से हनी सिंह के कॉन्सर्ट में जाने लगे? ठीक है चलिए, जल्दी के नौकर में रखें, बाद में देता हूँ। कितने है मेरी जेन, थोड़ा टार्जन आ गया सी। कुल्लू प्लीज डोंट डिस्टर्ब, आई एम बिजी। क्या हुआ बेबी? बहुत सीरियस प्रॉब्लम है, तुम नहीं हैंडल कर सकोगे, एंड आई डोंट वांट टू गिव यू एनी स्ट्रेस। नो 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 स्ट्रेस बेबी, मुझे बताओ तो सही, व्हाट टेंशन यू? देखो ना, आई जस्ट कांट डिसाइड कि इन दोनों में से कौन सा ग्रीन बेटर है, ये वाला ग्रीन कि ये वाला ग्रीन। पूरे वर्ल्ड में अगर अर्थक्वेक आ जाए ना, सब मरेंगे सब, पर इसे कुछ नहीं होगा। पता है क्यों? क्योंकि इसे पता ही नहीं चलेगा कि अर्थक्वेक आया। जीन, मेरे पास ना आपके लिए सरप्राइज है। सरप्राइज फॉर मी? ओह माय गॉड, लवली, आई लव सरप्राइजेस। जीन, आपके लिए सरप्राइज, पूरी क्लास के लिए नहीं है। जीन, मैं आज आपको डेट पर लेके जाना चाहता हूँ। रियली? कुल्लू, ते जीन, ते रोमांस, चलोगी? ऑफ कोर्स,
यू नो मैं ये वाली ग्रीन ड्रेस पहन के चलूंगी। पूछोगी नहीं कि हम डेट पर कहाँ जा रहे हैं? वे? यो यो हनी सिंह के कॉन्सर्ट पे। ये दो दो पासेस मेरे पास VIP। ओह माय गॉड, हनी सिंह के कॉन्सर्ट पे, पता है हनी सिंह की कितनी बड़ी फैन हूँ। आई लव हिज म्यूजिक। ओह माय गॉड, आई एम सो कुल्लू, तुम्हारे पास तो दो पास है और हम तो तीन है, मी यू एंड रोमांस, कैसे होगा? रोमांस के लिए कोई पास नहीं चाहिए होता जी, जब जेन और कुल्लू साथ में होंगे ना तो रोमांस अपने आप पास आ जाएगा विदाउट वीजा। वो देखो ऊपर। सच्ची? मुच्ची। बच्ची। आ। चलो सेल्फी लेते। खींचो। Going for yo-yo हनी सिंह कॉन्सर्ट। टू टू VIP पास। जब कुल्लू क्लास से मिसिंग इजिकल टू समथिंग कुकिंग, कहाँ गायब है? हाँ प्रदीप। जब कुल्लू ससरा सुबह से अंधेरे की तरह गायब से हो। अरे बहुत बिजी हूँ यार, आज मैं जेन के साथ डेट है, कुछ तैयारियाँ हुई नहीं है, वही करने में लगा हूँ। बात कर रहे हैं जेन, जेन के साथ डेट है, बहुत खुशी की बात है। बात अभी लग सका है? लक्ष्य ने क्या बैंड बजाई आशिता की कैंटीन में, शक्ल देखने वाली थी उसकी। का बात कर रहे हो, कैसे का मतलब व्हाट हैपन एग्जैक्टली? क्या वो आशिता ना चैरिटी के लिए डोनेशन मांगने आई थी। हाँ ठीक है, लक्ष्य ने उसे भगा दिया। पैसे तो दिए नहीं, उसके बदले में उसने हनी सिंह के VIP पासेस दिखा के बोला मन तो करता है दे दूं। पर मैं चैरिटी नहीं करता वो। गॉड भाई उसकी शक्ल देखने लायक थी आशिता तो कसम से। अरे आशिता को मारो, बोल लीजिए हनी सिंह का कंसर्ट कहाँ है, ये कौन से पासेस की बात कर रहे हैं आप? हाँ कपल पासेस, वो भी फ्री। यार पास मानो, तुम टाइम पास बंद कर, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। बाय। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बाय 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 बाय। कपल पासेस, हनी सिंह कंसर्ट, लक्ष्य भैया। लक्ष्य भैया खुल खुल खुल। अबे पासवान तू साले कान में क्यों घुस रहा है, तू आदमी है कि मक्खी? लोन। लक्ष्य भैया एक बात बताइए, वो हनी सिंह का जो कंसर्ट हो रहा है उसके पासेस आपके पास है क्या? हाँ है, क्यों? हमारे दोस्त को चाहिए था। हाँ तो उसको वो ले ले जाके। कैसी बातें करते हैं, बाहर मिल नहीं रहा, पासेस खत्म हो गए तभी तो आपके पास आए हैं, वैसे वो आपको डबल प्राइस देने को तैयार है। डबल प्राइस? फ्री में रहता मेरे घर पे, किसी काम तो आए। डन। क्या बात है, हम जानते थे कि आप मना नहीं करेंगे, इसलिए हम पहले एडवांस ले लिए। जो कितने दिए हैं ये पासवान? पहली बार तुमने जिंदगी में कोई अच्छा काम किया, अगर ये डील क्रैक हो गई ना मेरे तरफ से ट्रीट। क्या बात कर रहे हैं लक्ष्य भैया, हम जानते हैं आपकी औकात तो है नहीं। औकात नहीं है इनकी भाई, बता रहे हैं आपकी औकात तो है नहीं, लेकिन आप ससुरा पार्टी देंगे तो हमें बहुत खुशी सी होगी। आई लव यू। छोड़ छोड़, क्या कर रहे हैं आप? हैं टाइम पे डाउट करते रहते बार बार, हम वैसे टाइप के आदमी नहीं है। लक्ष्य यार क्या सॉलिड गोल मारा तुमने आज, सानिया मिर्जा भी देख के पागल हो जाए। मैं बास्केटबॉल खेल के आया हूँ, गोल फुटबॉल में होता है और सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है। हाँ लेकिन फुटबॉल बास्केटबॉल टेनिस बॉल है तो सब गोल ना। अरे लक्ष्य वो कॉन्सर्ट हनी सिंह की टिकट दे दो। तो बताना भूल गया, आई प्रॉमिस समवन एल्स सो आई कांट गिव इट यू, सॉरी यार। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, किसी और को प्रॉमिस किया है उसका क्या मतलब है? आपने तो मुझे प्रॉमिस किया था ना, अब आप आखिरी टाइम पे टांग दे रहे हो मुझे, तू तो वो भी नहीं करता। वो कटिए। अच्छा सुन, तू ना जेन को मरीन ड्राइव लेके जा। अरे सुपर आइडिया, सोच खुली हवाएं, ब्यूटीफुल सी, सो रोमांटिक ना, ऑल द बेस्ट। जी आप कमाल हो, बैग भी दे दिया। ओए ओए। हाँ डालिए।
थोड़ा सा खुला हुआ। बिना भी अच्छा नहीं करते, बहुत गलत है, सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है, ये करना ही नहीं गलत है। छी छी कुल्लू, मुझे सिर्फ बुक्स के साथ सेल्फी चाहिए। अच्छा यो, तुम एक ले लो। ओके कैंडिड वंस। ओके स्माइल स्माइल, बुक में देख के, बुक में देख के। देवी व्हाट्स दिस? तुम भूल गई हनी सिंह कॉन्सर्ट के पासेस। ओह गॉड, कुल्लू मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई। यू नो दो हफ्ते से मेरे फेवरेट हेयर सलून में ना मुझे अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रहा था, फाइनली आज मिल गया। सो कॉन्सर्ट कैंसिल करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेबी, नो प्रॉब्लम। ओके कुल्लू, कुल्लू ये बुक्स ना तुम लाइब्रेरी में जाके रिटर्न कर देना। ओके बेबी बाय। कुल्लू आई हैव एन आइडिया, तुम इन पासेस को ना OLX पे भेज दो। ओके चलो स्वीटा, सी यू लेटर, बाय। इसे कहते हैं अच्छी गर्लफ्रेंड, डेट कैंसिल कर दी लेकिन नुकसान नहीं होने दिया। इन पासेस को मैं महंगे महंगे प्राइस में बेचूंगा। अलेक्सा अलेक्सा भैया होल्ड होल्ड होल्ड, अरे आप कहाँ थे, हम आपको कितनी देर से फोन कर रहे हैं। अरे वो हमारा फ्रेंड फोन कर करके परेशान कर रहा है हमें। देता हूँ रुक। निकालिए ना, रुक जा। टिकट्स तो मैंने बैग में रखे थे। क्या आपका जो माइंड है ना वो हमारी तरफ बिजनेस माइंड हो गया है हमारे साथ रह रहे। कोई बात नहीं लगता भैया, आप ये बात जानते हैं कि आप भी ये जानते हैं कि हम एनी विच वे एनी कॉस्ट आपसे वो टिकट तो खरीदेंगे, तो ससुरा पैसे बढ़ाने का नाटक कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं डफर, मैं नाटक नहीं कर रहा। मैंने क्या कोई स्टॉक मार्केट खोल रखा है जो प्राइस ऊपर नीचे जाएगा। टिकट्स तो मैंने बैग में ही रखे थे, पता नहीं कहाँ गया यार, शायद लॉकर में रख के भूल गया हूँ। I'll just check. मर गए भैया। क्या पूरा टाइम बातें करते रहते हो आप लोग, कितने अच्छे बाल हैं आपके, कितनी अच्छी स्माइल है आपकी। ये लोग किताबें वापस कर दें लाइब्रेरी में, गुड बॉय गुड गर्ल। हेलो जी, ओ हाँ जी हाँ जी, मैंने डाला है वो OLX पे एड। ए जेंटलमैन फ्रॉम फपगाड़ा, वेयर आर यू सुबह से? इसका फोन बज रहा है, परेशान कर देते हैं, परेशान हो गया। मेरी लाइफ में जब क्रेडिट है ही नहीं तो क्रेडिट कार्ड का काम है जी। क्या क्या बोला था मैं, बोला क्या था, बोला था ना वापस देखे लाइब्रेरी में किताबें, क्यों नहीं देखे हो? तुम भी बड़ी अच्छी स्माइल है तो इसका मतलब किताबें नहीं दोगी वापस, लाइब्रेरी किताबें। अगल कहेगा क्या है, मुझे किताबें देखे आनी वापस लाइब्रेरी में, लेट ना हो जाऊँ। हटो हटो हटो, आता आता हूँ। तेरे को एक बार बोला ना नो बार्गेन मतलब नो बार्गेन, मैं यहाँ पे टिंडे और टमाटर बेच रहा हूँ क्या जो तू बार बार भाव लगा रहा है? जो पहले आके टिकट लेगा उसे मैं टिकट भेज दूंगा। हाँ वो भेज दूंगा एड्रेस तेरे को, चल अब तू रख। आशिता जी कैसा रहा आपका कलेक्शन? टाइगर श्रॉफ की मूवी के जैसा एकदम ठंडा। ये इतना सा डोनेशन लेकर अगर ऑर्फिनेज गई ना तुम लोग कितना हंसेंगे मुझ पे, समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं। मेरे पास एक आइडिया है जी, मैंने ना अपने पासेस OLX पे बेचने के लिए डाल दिए हैं, वो भी ज्यादा प्राइस पे, तो जितने भी एक्स्ट्रा पैसे मिलेंगे ना जी वो आप रख लेना। रोली कुल्लू आओ जी, आप इतना चंगा काम कर रहे हो, मेरा तो कॉन्स्टिपेशन। कॉन्ट्रीब्यूशन कॉन्ट्रीब्यूशन तो बनता है ना जी, मैनू भी फील गुड लगेगा। लेकिन आप भी मेरी हेल्प कर दो जी, पासेस को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट में बेचने के लिए एक बकरा ढूंढ दो और जल्दी, वरना लक्ष्य और प्रतीक भाई मुझे ये OLX पे फ्री में ना बेच दे। पैसे की तो डेस्परेटली जरूरत है, नॉट अ बैड आइडिया। बेस्ट आइडिया है जी, जितने ज्यादा मैं अपने पासेस बिकेंगे उतना ज्यादा प्रॉफिट और वो सब आपका है। डन जी, चले।
जी आप रॉन्ग किए हमारे साथ, हमारी जीएफ नंबर 31 की तरह। पहले बड़ी बड़ी बात और एंडिंग में बम पे लात। चुप कर वरना सच में खाएगा। काहे खाएंगे, काहे चुप करेंगे है? तो तेरा हमारे दोस्त के सामने हमारी इज्जत का बड़ी फलूदा बनवा दी है और बोल रहा चुप कर। देखिए फोन आ गया उसका। हेलो नमस्कार। हाय हेलो, छोड़ो मेरे पैसे वापस दो, मैं टिकट किसी और से खरीद रहा हूँ। ऐसे आप कैसे कर सकते हैं हमारे साथ है? ये तो गलत बात है ना, मतलब आप हमें कमिटमेंट किए और हम आपको कमिटमेंट किए कि हम आपको टिकट देंगे तो हम देंगे, पैसे की बात नहीं है। आप जल्दी से नहा धोकर तैयार हो जाइए, फ्रेश हो जाइए, जो भी करना कर लीजिए, ऊपर से नीचे का हम आ जाएंगे। अब पैसा कहाँ है वापस मांगने की बातें करते हैं। बकवास बंद करो अपनी, बहुत टाइम वेस्ट कर दिया तुमने मेरा। देखिए बात जो देखा कहा बोल रहे, बेइज्जती करवा रहे हैं आप, अभी शर्म नहीं आती आपको? ससरे हमारे सारे दिल के अरमा आंसुओं से बह गए। मुझे पता टिकट्स कहाँ है, कुल्लू ने चुराई है। जब पागल हो गया का बेचारा, इतना शरीफ था लौंडा अपना है। कोई शरीफ नहीं है, वो एक नंबर का चोर है। जब मैं लॉकर रूम गया था ना नहाने, तो 100% पीछे से आके उसने टिकट चुराए। हमारा कुल्लू बेचारा हालत का मारा, ससुरा नुकसान करा दिया हमारा। या वीआईपी सीट है, सारे बड़े बड़े लोग बैठे होंगे उस सेक्शन में। सारे बड़े बड़े लोग बैठे होंगे उस सेक्शन में। बस मेरा नाम ले लेना, हनी सिंह आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट जाएगा। आप बस मेरा नाम ले लेना, हनी सिंह आपके लिए स्पेशल रिक्वेस्ट भी गा देगा। इतना रॉकिंग कॉन्सर्ट आपके बाप ने भी अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा। इतना रॉकिंग कॉन्सर्ट आपके मतलब इतना रॉकिंग कॉन्सर्ट कि आप बार बार जाएंगे। डन, ग्रेट, डील क्रैक। जितना मांगा था उतना देने के लिए रेडी है। थैंक यू बाबा जी, आपने बचा लिया, वरना रोड पे बैठ के भीख मांगनी पड़ती वो भी गाना गाते हुए। वो लाओ टिकट दो, मैं उसे देकर आती हूँ। कसम से यही थी, राष्ट्रपति मुझे मार डालेंगे। कुल्लू टिकट कहाँ है? याद आया अरे चैटर्जी मैम, अरे देख 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 चैटर्जी मैम देख, लेफ्ट में गई, लेफ्ट में। अच्छा निकल गई। यू इडियट, फोन पे ये लंबी लंबी छोड़ रहे थे, स्पेशल इवेंट, रॉकिंग कॉन्सर्ट, हनी सिंह का स्पेशल रिक्वेस्ट, क्या जरूरत थी ये सब बोलने की? अब टिकट का क्या करें? खुशी खुशी में भूल गया मैं उस मोटी किताब में, उसमें रखी है टिकट। अब जाओ जाके बुक में से टिकट ढूंढ के लाओ, वरना मैं तुम्हारा खून कर दूंगी। कुल्लू गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। पहले कौन सी वाली दूं? इससे ज्यादा बैड की हो सकता है जी, बैड ही दे दो पहले। ओके, सो मेरे हेयर सैलून का अपॉइंटमेंट ना कल के लिए पोस्टपोन्ड हो गया है। सो द गुड न्यूज इज दैट आई एम फ्री, सो अब हम दोनों कॉन्सर्ट के लिए जा सकते हैं। क्या बात कर रहे हो, हार्ट अटैक आज? हां हां, जाओगे कॉन्सर्ट के लिए? टिकट्स है ना कुल्लू के पास? ये हमारी टिकट्स है। कनेक्शन, ये मेरी टिकट्स है जो इस फोका टी ने चुराई है। कुल्लू, तुमने चोरी की? हाँ बेबी, झूठ क्यों बोल दे तुसी हमेशा? आप ही ने मुझे प्रॉमिस किया था कि आप मुझे टिकटें दोगे। प्रॉमिस तो आपने भी किया था कि आप सुधर जाओगे, लेकिन फिर से कर दी ना चिचोरापंती। हां हैशटैग बैड हैबिट। कुल्लू, तुम्हें चोरी करने की आदत है? ना बेबी, अपनी गर्लफ्रेंड को डेट पे लेके जाने के लिए चोरी करेगा तू? मैंने तो तुम्हें ना कह दिया था, तो तुम डेट पे किसे लेके जा रहे थे? बेबी मेरी बात तो सुनो। ऐसा कुल्लू, तुमने मुझे टिकट्स प्रॉमिस की थी ना, प्लीज दे दो, बाहर पूरा कॉलेज तुम्हें ढूंढ रहा है। कुल्लू, तुमने अपनी टिकट्स इसे भी प्रॉमिस की थी? ओ हेलो, इसकी नहीं मेरी, ये टिकट्स मैं लाया हूँ। हाँ जी भाई साहब, टिकट का जुगाड़ हो गया, टेंशन की बात नहीं है। ये कौन है?
क्यों जाऊं कॉन्सर्ट में? ये लेके उसको दो। ये तो सैड हो गई यार। अशिता यू डिजर्व दिस। थैंक यू गाइस। ये बेबी कभी कभी अच्छे काम करना ना बहुत अच्छा होता है, हमेशा नालायक बनती ठीक नहीं होती है जी। अच्छा कौन सी मर्डर मिस्ट्री सॉल्व कर रहा है? हम ये सोच रहे हैं कि अशिता को चिल्लर जी किसने Ha 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 ha